अच्छा आजकल ना बहुत सारी ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिसमें पास्ता और मैगी को मिक्स करके बना रहे हैं लोग। तो मतलब ये क्या फंडा है, पास्ता अलग मैगी अलग, ऐसे क्यों नहीं खा सकते कोई? तो मैंने सोचा कि यार चलो मिक्स कर ही रहे हैं तो हम भी इसको ट्राई करते हैं, बट एक डिफरेंट तरीके से। तो यहाँ पे मैंने ले लिए पहले मक्खन, ठीक है, और हम इस प्रोसेस को पिघलते हुए देखेंगे प्रॉपर। मतलब ये मक्खन पिघलने वाला पार्ट इतना क्यूट लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा चलो इसको भी हम ऐड कर लेते हैं वीडियो में। आप तेल भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है कि मक्खन ही यूज़ करना है। फिर जब ये मेल्ट हो गया था ना, तो फिर मैंने इसमें डाला कैप्सिकम, प्याज और मिर्च, अगर आपको मिर्च पसंद हो तो। वैसे ना मैं मिर्ची का एक पेड़ भी उगाने वाली हूँ बहुत जल्दी अपनी बालकनी में, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना मिर्चा, क्या बताऊँ मैं। फिर मैंने थोड़ी सी टमाटर डाल दी और उसको भी मैं मिक्स कर लूँगी, सॉटे कर लूँगी। ऐसे किस किस के घर में, अरे बाइक वाले भैया, किस किस के घर पे मिर्चे का पेड़ है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, तो मैं रिप्लाई करूँगी। अच्छा आपके साथ कभी ये हुआ है कि एक मसाले के पैकेट, एक पास्ता के पैकेट में दो दो मसाले के पाउचेस निकले? मेरे साथ जस्ट हुआ इसी वीडियो में। कितना लकी फील होता है जब ऐसा कुछ होता है हमारे साथ। तो अब जब सब्जियां सॉटे हो जाए ना, तब इसमें पानी डाल लो अपने हिसाब से। मतलब आपको अगर थोड़ा सूप ही पसंद, यार तुम लोग शोर मत मचाया करो, अगर आपको सूप ही पसंद होता है तो अगर आपको सूप ही पसंद है तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डालना, बट अगर आपको ड्राई वाली पसंद होती है ना तो थोड़ा कम पानी डालना। फिर मैगी डाल लो और क्या कहते हैं पास्ता डाल लो, ठीक है। मेरी मम्मा देखेंगी ना ये वीडियो तो पक्का कमेंट आना है नीचे कि बेटा तुमने ये चीज़ क्यों डाली। मैं मना करके आई थी कि मैं ऑडियो रिकॉर्ड करने जा रही हूँ, तुम मत करना शोर, लेकिन करना है, नहीं सुधरेंगे हम। इसीलिए मैं रात में ऑडियो रिकॉर्ड करती हूँ, पर नहीं आप लोग को तो झिंगुर की आवाज़ आती है। एनीवेज आप जो है मैगी का और पास्ता का अलग अलग टेस्ट मेकर जो है ना वो डालेंगे। फिर जो मैगी मसाला वाला पाउच है ना उसे पूरा ही ख़त्म कर दिया था मैंने ऑलमोस्ट। आपको अगर तीखा ज़्यादा नहीं पसंद है तो आप कम डालना। फिर रेड चिली पाउडर थोड़ा सी डाल ली और थोड़ी थोड़ी डाल रहे बहुत नमक और बस। अच्छा, काली मिर्च भी डाली मैंने, हाँ। और बस इसे मिक्स कर लो और इसे उबलने देंगे हम जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। वैसे मैंने तो ड्राई बनाया था, मतलब थोड़ा सा सूप भी थोड़ा सा ड्राई, मतलब पता नहीं क्या कॉम्बिनेशन था, आई डोंट नो। थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डाल लेंगे, अब बस इसे कुक होने देंगे अच्छे से। वैसे मैंने काफ़ी ऐसे वीडियोस देखे जहाँ पे ये चीज़ बनाई गई थी, बट काफ़ी प्लेन प्लेन सा बना रहे थे सब, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा उसमें तीखा और ऐड कर लेते हैं अपनी तरफ से, थोड़ा ट्विस्ट करके बनाते हैं तो कैसा बनता है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत मस्त बना था, मतलब बहुत तगड़ा बना था, क्या बताऊँ। अच्छा सुनो ना, अभी जब तक ये बन रहा है ना, आप अगर नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मतलब मैं अपने सब्सक्राइबर्स अभी रिवील तो नहीं कर रही, बट इतना बता सकती हूँ कि मैं सिल्वर प्ले बटन के बहुत ज़्यादा करीब हूँ, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर आपने नहीं किया है सब्सक्राइब, और अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हो तो मेरा चैनल भर भर के शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, मतलब इंगेज रहो मेरे चैनल पे। मैं आपके लिए रोज़ रोज़ रेसिपीज़ आती हूँ, तो प्लीज़ यार इतना तो आप कर ही सकते हो ना डियर प्लेसिका के लिए, मतलब मेरे लिए। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर वेयर सब कर दो, ठीक है। हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज़ है सिल्वर प्ले बटन के, आई मीन रियली वेरी क्लोज़। तो जैसे ही मिलने वाला होगा ना, मैं आई थिंक 99 के आसपास ना रिवील कर दूँगी, ठीक है। 98-99 के आसपास मैं रिवील कर दूँगी अपना सब्सक्राइबर काउंट, तो आप भी देख सकते हो। अदरवाइज़ ये जो है हमारा बहुत ही ऑसम बना था, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, ऑल्सो फॉलो कर लो फटाफट, और बहुत मस्त था ये, बहुत मस्त।